हेलो चिल्ड्रेन वेलकम टू कोर कॉन्सेप्ट्स एंड टुडे वी विल स्टडी इलेक्ट्रिक मोटर ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ये इलेक्ट्रिक मोटर है ये आपने देखा होगा कभी टॉय में से निकाल के कार वगैरह छोटी जो रहती है या तो फिर जो आपका वाटर का जो पंप रहता है उसमें या फिर आपने फैन में भी देखा होगा फ़ैन के जो टेबल फैन के पीछे जो रहता है वो भी इलेक्ट्रिक मोटर रहती है बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है और वो इलेक्ट्रिक मोटर इस तरह का दिखता है अगर आपने किसी टॉय में से कार में से खोल के देखा होगा मोटर को तो वो ऐसा दिख अब हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रिक मोटर फंक्शन कैसे करता है तो इलेक्ट्रिक मोटर फंक्शन करता है मैग्नेटिक फोर्स के वजह से अब ये आपको ये बेसिक तो पता होगा कि जब नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल साथ आते हैं तो वो रिपेल करते हैं जब लाइक पोल आते हैं और जब अपोजिट पोल साथ में आते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं तो यही प्रिंसिपल को यूज़ किया गया है और यहाँ पे क्या किया है उन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर में इंस्टेड ऑफ यूजिंग मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सब्सटेंस यूज किया है इलेक्ट्रो सब्सटेंस क्या होता है ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है जैसे कि ये नेल है ये आयरन का बना हुआ है आयरन के ऊपर जब आप इलेक्ट्रिक वायर रैप करोगे और उसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो इलेक्ट्रो मैगनेट बन जाता है आपने सेवन्थ या सिक्स स्टैंडर्ड में देखा होगा ये एक्सपेरिमेंट जाता है थोड़ी देर के लिए जब तक तो उसमें से करंट पास हो रहा है तब तक वो मैग्नेट बन जाएगा आप करंट स्टॉप कर दो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर चला जाएगा अब यहाँ पे अगर आप चार्ज को रोटेट कर दो पॉजिटिव टर्मिनल उधर कर दो नेगेटिव टर्मिनल इधर कर दो तो वो जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट आपका बना है इंड्यूज मैग्नेट उसके भी पोल्स रोटेट हो जाएंगे नॉर्थ पोल उधर चला जाएगा और साउथ पोल इधर आ जाएगा ये तो हुआ आपका बेसिक अब यही प्रिंसिपल को यूज़ किया गया है इलेक्ट्रिक मोटर में अभी देखो आपको अगर पोल्स चेंज करना है तो या तो आप बैटरी को चेंज कर दो या तो फिर आप वायर का इधर का वायर उधर कर दो उधर का वायर इधर कर दो अब यहाँ पे हम लोग इंस्टेड ऑफ मैग्नेट इलेक्ट्रो मैगनेट यूज़ करेंगे और जब इलेक्ट्रो मैगनेट पर करट पास होगा तो उसका नॉर्थ पोल और इसका नॉर्थ पोल सामने आएंगे तो वो रिपेल करेंगे और नॉर्थ पोल और साउथ पोल सामने आएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो अब आपको अपोजिट पोल करना है तो आप क्या करोगे इधर का वायर उधर कर दोगे उधर का वायर इधर कर दोगे फिर वो रिपेल करेगा अब बार बार आपको अगर उसको घुमाना है तो बार बार आपको क्या करना पड़ेगा उसका वायर चेंज करना पड़ेगा इसकी स्पीड आपको और फास्ट करना है तो आप क्या करोगे दूसरे साइड भी मैग्नेट लगा दोगे दूसरे साइड मैग्नेट लगाने से क्या होगा इधर का पोल उसको खींचेगा और उधर का पोल उसको खींचेगा और इसकी स्पीड बढ़ जाएगी अब हम देखेंगे एक्चुअल मोटर में क्या होता है एक्चुअल मोटर में छोटे छोटे मैग्नेट नहीं लगाते एक ही बड़ा हॉर्श मैग्नेट रहता है और उसको दो पीस में करके एक नॉर्थ पोल इधर और साउथ पोल उधर कर देते हैं और जब करंट स्टार्ट होता है पास होना तो करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के पास जाता है और मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे जाती है यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि आम ए बी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है और आम सी डी अपवर्ड डायरेक्शन में उसको फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में खींचती है और ए बी को फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचती है इस तरह से वो आर्मेचर रोटेट करने लगता है अब बार बार वायर को चेंज करना पॉसिबल नहीं है मोटर के अंदर तो हम क्या करेंगे उसमें ये स्प्लिट रिंग लगा देंगे और वो स्प्लिट रिंग से हम क्या करेंगे ब्रश को ऐड कर देंगे क्योंकि अगर आप वायर डायरेक्ट स्प्लिट रिंग पे ऐड करोगे तो जब वो वायर ऐसे गोल गोल घूमेगा तो एक दूसरे में उलझ जाएगा तो ये ब्रश क्या करता है ब्रश घूमता नहीं है वायर जो है वो ब्रश में लगा हुआ है और घूमता क्या है स्प्लिट रिंग ये देखो ये कैसे घूम रहा है यहाँ पे स्प्लिट रिंग के दो पार्ट है एक पार्ट में आर्मेचर का एक हैंड अटैच है और दूसरे पार्ट में आर्मेचर का दूसरा हैंड अटैच है तो जब ये स्प्लिट रिंग घूमेगी तो क्या होगा ब्रश पॉजिटिव टर्मिनल वाला एक आधे पार्ट को टच करेगा तो वो बन जाएगा पॉजिटिव और उधर वाला ब्रश जो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है वो दूसरे पार्ट को टच करेगा और वो बन जाएगा नेगेटिव तो जब ये वाला पार्ट घूम के उधर जाएगा तो अब ये पॉजिटिव बन जाएगा और वो नेगेटिव बन जाएगा देखो अभी ये घूमा ये पॉजिटिव है अब ये घूम के उधर गया तो अब वो नेगेटिव बन जाएगा इस तरह क्या हो रहा है हमको वायर को चेंज नहीं करना पड़ रहा है बार बार वो जब घूम रहा है तो वो खुद ही पॉजिटिव और नेगेटिव बन रहा है तो इससे क्या होगा बार बार उसका जो मैग्नेट का है डायरेक्शन चेंज हो जाएगा जो नॉर्थ पोल है वो सा, जो हम वायर से कर रहे थे ना इधर का इधर उधर का इधर, इधर वही काम अब ये क्या करेगा स्प्लिट रिंग करेगा अब ब्रश स्प्लिट रिंग को सिर्फ टच करता है ताकि उसके बीच में से स्प्लिट रिंग आराम से घूम सके अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ये एक ही रोटेट कर रहा है एक आर्मेचर रोटेट कर रहा है तो वो थोड़ा स्लो कर रहा है तो हम यहाँ पे दो आर्मेचर लगा देंगे तो अब क्या होगा उसका रोटेशन और फास्ट हो जाएगा लेकिन दो आर्मेचर के लिए हमें स्प्लिट रिंग भी और ज़्यादा ऐड करनी पड़ेगी अब क्या होगा अब ये वाला आर्मेचर नॉर्थ पोल साउथ पोल बनेगा फिर जब दूसरे स्प्लिट रिंग को ब्रश टच करेगा तो दूसरा वाला नॉर्थ पोल साउथ पोल बनेगा इसी तरह वो क्या होते जाएगा रोटेट होते जाएगा आर्मेचर रोटेट होते जाएगा अगर हमको इसकी स्पीड और बढ़ानी है तो हमें बहुत सारे आर्मेचर लगा देने पड़ेंगे और स्प्लिट रिंग के बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट कर देना पड़ेंगे तो ये तो हुआ उसका वर्किंग वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर अब यहाँ पे आप जितने ज़्यादा वायर लगाओगे उतनी ज़्यादा स्पीड हो जाती है मोटर की ये देखो ये मोटर आपने देखी होगी टॉय में से निकाल के तो ये है हमारी मोटर का फाइनल लुक पैक करने के बाद अभी यहाँ पे इसके साइड में यहाँ पे देखो एक एक्सेल ऐसे रॉड जैसी निकली होती है ट्यूब जैसे उसको बोलते हैं एक्सेल ये एक्सेल में आप जो भी चीज़ लगाओगे वो चीज़ भी घूमने लगेगी तो ये है हमारी डीसी मोटर अब हम देखेंगे इसका डायग्राम प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल आप सब्सक्राइब करोगे तो ही पता चलेगा कि हाँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और और फ्यूचर में आपको ऐसे और सिंपल इजी वीडियो देखने को मिलेंगे प्लीज़ सब्सक्राइब डायग्राम या कंस्ट्रक्शन हम बहुत ही सिंपल करेंगे पहले एक मैग्नेट बनाएंगे उस पर लिखेंगे नॉर्थ दूसरा मैग्नेट बनाएंगे उस पर लिखेंगे साउथ उसके बाद हम बनाएंगे आर्मीचर ये है हमारा आर्मीचर अब हम बनाएंगे रिंग तो रिंग पहले हम एक सर्कल बना लेंगे और फिर उसको बीच में से स्प्लिट कर देंगे काट देंगे उसके बाद हम बनाएंगे ब्रश ये हो गए हमारे ब्रश इसके बाद हम ब्रश को कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट से या उसको पावर देंगे तो उसको लिए हमें क्या करना है ये हमने बनाया एक रेड वायर और एक ये ब्लू वायर उसके बाद हम यहाँ पे बना देंगे बैटरी तो ये हो गया हमारा बहुत ही सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम इसके डायग्राम के लिए आपको वन एंड हाफ़ या वन मार्क्स तो मिल ही जाएंगे अब आप, आप इसको लेबल कर दीजिए लेबलिंग तो आपको आती ही है तो सबसे पहले हम लिखेंगे मैग्नेट ये हो गए मैग्नेट ये है हमारा आर्मीचर ये है हमारी स्प्लिट रिंग ये है कार्बन ब्रश और ये है वायर और ये है हमारा बैटरी वॉच फुल वीडियो टू टू थ्री टाइम्स एंड यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग Even if you have problem you can ask me queries in the comment section i'll try to solve your problem thank you keep watching keep learning